हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सीबीएसई द्वारा 12 नवंबर को एक सर्वे लिया जाना है, जिसका नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। और आज इस वीडियो में हम इस सर्वे से संबंधित कक्षा तीसरी के विषय, प्रश्नों की संख्या और उसके पाठ्यक्रम पर बात करेंगे, और उसके बाद इसी कक्षा का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आप सभी को बता दें कि ये जो परीक्षा है, ये आपकी 12 नवंबर को ऑर्गेनाइज की जाएगी, और इस परीक्षा में विषय होंगे हिंदी, गणित तथा ईवीएस, जहां हिंदी में प्रश्नों की संख्या रहेगी 15, गणित में रहेगी 17 और ईवीएस में होगी 15। यानी कुल मिलाकर आपको 47 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिसकी समय अवधि होगी 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा। इस परीक्षा के कुल 4 सेट होंगे। चारों सेट में प्रश्नों की संख्या वही 47 रहेगी, और सभी प्रश्न जो हैं वो एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके चार चार ऑप्शन होंगे, और उन चारों में से आपको एक सही वाला चूज करना है। तो ये तो थी बात तीसरी क्लास के विषय और प्रश्नों की संख्या के लिए। आइए आगे देखें बच्चों। यहाँ ये आप देख सकते हैं, कुछ लिंक है आपके पास, ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 8 और ग्रेड 10। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। जिस भी कक्षा के लिंक पर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने तीसरी कक्षा के लिए लिंक पर क्लिक किया, तो यहाँ आप देख पाएंगे कक्षा 3 का डैशबोर्ड यहाँ ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पास होगा पाठ्यक्रम, लर्निंग आउटकम्स, मॉक टेस्ट दिए गए हैं, और यहाँ आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। यहाँ पाठ्यक्रम में आप इसका पाठ्यक्रम देख सकते हैं, क्या क्या आएगा, किस किस सब्जेक्ट से। उसके बाद है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में आपको बच्चों, ये टेस्ट जो है ये सिलेबस पर बेस्ड नहीं है, ये आपके लर्निंग आउटकम पर बेस्ड है। तो इन लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखें और इनकी प्रैक्टिस करें। सभी क्लासेस के लर्निंग आउटकम्स आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। तो ये तो थी इस टेस्ट से संबंधित कुछ बातें। आइए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं कक्षा तीसरी का प्रैक्टिस सेट। तो बच्चों, आप यहां देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारे पास ईवीएस, और वीक फर्स्ट के लिए ईवीएस के जो डोमेन है वो यहाँ कवर करने हैं हमें, परिवार, अवधारणा व रिश्ते, खेल, विभिन्न प्रकार के काम व कामगार। तो आइए इनसे संबंधित प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 1, मेरी सहेली निधि ने बताया कि उसके परिवार में उसके अलावा मम्मी, पापा और एक छोटी बहन है। निधि का परिवार किस श्रेणी का परिवार है? संयुक्त, एकल, मिश्रित व विस्तृत। तो बच्चों, उसकी फैमिली में सिर्फ मम्मी, पापा और एक छोटी बहन है। तो ये जो परिवार होता है, ये होता है एकल परिवार, जिसमें हमारे माता पिता तथा भाई बहन होते हैं। तो खे वाला भाग सही है, इसको हम सर्कल कर देंगे। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन से विकल्प में संयुक्त परिवार का उदाहरण दर्शाया गया है? दादा, दादी, पड़ोसी, रिश्तेदार। दादा, दादी, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, बहन। दादी, चाचा, मम्मी, पापा, पड़ोसी, मम्मी, पापा, भाई। तो बच्चों, संयुक्त परिवार के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो है ख भाग, दादा, दादी, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, बहन। आइए आगे देखें। आगे है प्रश्न नंबर 3, इस महीने मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ, मेरे परिवार में क्या बदलाव हुआ? तो बच्चों, छोटी बहन का जन्म हुआ है, यानी उनके परिवार की संख्या 1 बढ़ गई। आइए ऑप्शन देखें। अब मेरा परिवार बड़ा हो गया है, अब मेरा परिवार छोटा हो गया है, कोई बदलाव नहीं हुआ, या मैं अपनी बहन से प्यार करता हूं। तो बच्चों, इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है इसका, अब मेरा परिवार बड़ा हो गया है, एक जो संख्या है वो बढ़ गई। आगे देखें। प्रश्न नंबर 4, दिवाली की सफाई के दौरान मेरी माता जी
को एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर मिली। मेरी माताजी ने बताया कि इस तस्वीर में मैं मेरे पिताजी के छोटे भाई की गोद में बैठा हूँ। आप बताओ कि मैं किसकी गोद में बैठा था? तो बच्चों, पिताजी के छोटे भाई की गोद में। तो पिताजी के भाई क्या होते हैं? पिताजी के छोटे भाई होते हैं चाचा। तो आइए ऑप्शन देखें। मामा जी की गोद में, दादाजी की गोद में, पापा जी की गोद में या चाचा जी की गोद में। तो इसका सही उत्तर है घ, चाचा जी की गोद में। आगे है प्रश्न नंबर 5। कल बाजार जाते हुए मैंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में छड़ी लेकर व काला चश्मा पहनकर सड़क पार कर रहा था। वह व्यक्ति धीरे धीरे सड़क इसलिए पार कर रहा था क्योंकि, ऑप्शन है, वह देख नहीं सकता था, वह चलते हुए सोच रहा था, उसके घुटनों में दर्द था या उसे हाथ में छड़ी लेने की आदत थी। बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है क, वह देख नहीं सकता था इसीलिए उसके हाथ में छड़ी थी और आंखों पर काला चश्मा था। आइए आगे देखें। आगे है प्रश्न नंबर 6। आज मेरी मम्मी मेरी दादी जी को लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि मेरी दादी जी की नज़र कमज़ोर हो गई है। सही से देखने के लिए डॉक्टर ने उन्हें निम्न में से क्या सलाह दी होगी? तो बच्चों, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो क्या सलाह दी होगी? आइए देखें। कान में मशीन लगाने की, धूप का चश्मा लगाने की, नज़र का चश्मा लगाने की या धीरे धीरे व कम बोलने की। तो बच्चों, नज़र कम हो गई थी तो इसलिए उन्हें सलाह दी गई होगी नज़र का चश्मा लगाने के लिए। आगे है प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए परिवार वृक्ष को देखें, इसमें कितनी पीढ़ियां दिखाई गई हैं? तो बच्चों, यहां आप एक वृक्ष देख सकते हैं। सबसे ऊपर जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति, उसके बाद यहां और उसके बाद नीचे आप देख पाएंगे बच्चे हैं। तो इस बुजुर्ग व्यक्ति के दो बेटे हैं, दोनों की शादी हुई और उस शादी से एक के हैं दो बच्चे और एक का एक बच्चा। तो ये जो है, यहाँ कितनी पीढ़ियाँ हैं? एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, यानी यहाँ तीन पीढ़ी हैं। तो इसका सही उत्तर है तीन। आइए आगे चलें। आगे है प्रश्न नंबर 8। सही जोड़े को चुनिए। स्टेथोस्कोप बिजली मिस्त्री, पत्र डॉक्टर, बस ड्राइवर या पेचकस मोची। तो बच्चों, सही जोड़ा जो है वो है बस और ड्राइवर का, बाकी सब जो जोड़े हैं वो सही नहीं हैं। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 9। मैं फर्श पर चौक से कुछ बनाकर उसमें पत्थर का टुकड़ा डालकर कुछ खेल रही थी। मुझे देखकर मेरी नानी जी ने कहा, अरे यह खेल तो मैं भी अपने बचपन में खेला करती थी। बताओ मैं निम्न में से क्या खेल रही थी? तो बच्चों, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बच्ची यहाँ खेल रही है। तो इस खेल का क्या नाम है ये हमें बताना है। पिट्ठू, स्टापू, गिल्ली डंडा या गिट्टे। तो बच्चों, इस खेल का नाम है स्टापू। ख, आइए आगे देखें। आगे है प्रश्न नंबर 10। निशाने लगाने के इस खेल में चार खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए हैं। बच्चों, यहाँ ये तालिका दी गई है और इसमें चार खिलाड़ी हैं, स्नेहा, रितेश, अरमान व सुनील, और इन सभी के अंक यहाँ दिए गए हैं। खिलाड़ियों द्वारा तीन चरणों में किए गए प्रयासों में तालिका अनुसार अर्जित अंक हैं। तो ये जो अंक हैं ये इनके तीन तीन प्रयासों के हैं। निम्न में से कौन से जोड़े ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए? तो सबसे ज़्यादा अंक किस जोड़े ने प्राप्त किए वो जोड़ा आप देख सकते हैं, स्नेहा और रितेश। तो स्नेहा और रितेश का मिलाकर हुआ, स्नेहा के थे 20 और रितेश के थे
30 जो मिलाकर हुए 50। अगला अरमान और सुनील, अरमान के थे 10 और सुनील के थे 30 तो मिलाकर हुआ कुल 40। स्नेहा और अरमान, स्नेहा 20 तथा अरमान 10 जो कुल हुआ 30। वहीं रितेश और सुनील, रितेश और सुनील दोनों के 30-30 जो मिलाकर हुआ 60 तो सबसे ज़्यादा किसके हुए, सबसे ज़्यादा हुए घ रितेश तथा सुनील के। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 11, कल जोरदार बारिश हो रही थी इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे और मेरे भाई को घर के अंदर ही खेलने के लिए कहा, निम्न खेलों में से हमने कौन सा खेल कमरे में खेला होगा। तो बच्चों इसके लिए आपको बताना है कि घर में कौन सा खेल खेला जाता है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज या खो खो। बच्चों इसमें से सही उत्तर है ग शतरंज। शतरंज को हम घर पर खेल सकते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल व खो खो के लिए हमारे पास ग्राउंड होना चाहिए जो कि बाहर होता है। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 12, कल हम मेला देखने बाहर गए थे, घर वापस लौटने पर देखा कि हमारे घर में चोरी हुई थी, अब हमें सहायता के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो बच्चों जब घर पर चोरी होती है तो हमें किससे सहायता लेनी चाहिए। आइए ऑप्शन देखें, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, पुलिस चौकी या डाकघर। तो बच्चों इसका सही उत्तर है ग पुलिस चौकी। हमें पुलिस चौकी जाकर उसकी कंप्लेंट देनी चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 13, आज मेरे पापा की गाड़ी ऑफिस जाने के रास्ते में खराब हो गई, मेरे पापा ने गाड़ी ठीक करने के लिए किसे बुलाया होगा। तो बच्चों गाड़ी कौन ठीक करता है, आइए देखें, नाई को, डॉक्टर को, पुलिस को या मैकेनिक को। और इसका सही उत्तर है घ मैकेनिक। नाई जो है वो हमारी कटिंग करता है, उसके बाद डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, और पुलिस हमारी रखवाली करते हैं, चोरों को पकड़ते हैं आदि। तो इसका सही उत्तर मैकेनिक जो गाड़ियां ठीक करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 14, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, यहाँ क्या गतिविधि हो रही है। तो आइए उस चित्र को देखें। बच्चों ये चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ ये कौन सी गतिविधि यहाँ दिखाई गई है। आइए ऑप्शन पढ़ें, धातु के बर्तन बन रहे हैं, पहिए बनाए जा रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं या थैले बनाए जा रहे हैं। और इसका सही उत्तर है ग मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं नीचे गोल, ये चाक होता है जिसको घुमाकर मिट्टी के बर्तन बनते हैं। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 15, कल मैं पार्क में खेल रही थी तब एक अंकल ने मुझे छुआ, अंकल का छूना मुझे अच्छा नहीं लगा, आपकी नज़र में यह कैसा टच है। तो बच्चों जो छूना हमें अच्छा ना लगे वो कैसा टच होता है, वो होता है बैड टच। तो आइए ऑप्शन देखें, गुड टच, बैड टच, आशीर्वाद या नफरत। और इसका सही उत्तर है ख बैड टच। अगर आपको भी किसी के छूने से ऐसा बैड टच फील होता है, आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो आपको जल्दी से जल्दी उसकी कंप्लेंट अपने टीचर या अपने माता पिता को करनी चाहिए। तो बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 15 ईवीएस से। ईवीएस के आपके क्वेश्चन आएंगे कुल 15, तो ईवीएस का भाग यहाँ समाप्त हुआ। आइए आगे देखें। आगे है सब्जेक्ट हिंदी, और हिंदी में यहाँ सब डोमेन्स कवर किए गए हैं, गद्यांश व पद्यांश आधारित समझ। आइए इसके प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ हमें कहानी दी गई है छोटी सी, उसको हमें पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सोहन गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर गया, उसके मामा जी एक किसान थे, उन्होंने अपने खेत में आम का बाग लगा रखा था, सोहन को आम खाने बहुत अच्छे लगते थे, रसीले आम स्वयं पेड़ से तोड़कर खाना उसकी दिली इच्छा थी,
मामा जी के साथ बाग में जाकर राहुल ने अपनी इच्छा पूरी की। तो बच्चों ये थी स्टोरी, आइए इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर एक, छुट्टियों में सोहन किसके घर गया, दादी, मौसी, बुआ या मामा? तो बच्चों हमने पहली ही पंक्ति में पढ़ा था वह अपने मामा के घर गया था, तो इसका सही उत्तर है भाग। प्रश्न नंबर दो, सोहन के मामा जी क्या काम करते थे, अध्यापक, किसान, चित्रकार या लेखक? बच्चों सोहन के मामा जी थे किसान, तो इसका सही उत्तर खैबाग किसान। आगे है प्रश्न नंबर तीन, सोहन की दिली इच्छा क्या थी, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना, दोस्तों के साथ घूमना, आम तोड़कर खाना या आइसक्रीम खाना? बच्चों सोहन की दिली इच्छा थी आम तोड़कर खाना। आगे है प्रश्न नंबर चार, पेड़ का समानार्थी वृक्ष है तो इच्छा का समानार्थी क्या होगा? बच्चों समानार्थी यानी जिसका सेम मीनिंग हो, वही मीनिंग हो। तो इच्छा का आइए देखें ऑप्शन, चा, उन्नति, सफलता या कल्पना? तो बच्चों इच्छा का समानार्थी होगा चाह, किसी चीज की चाह करना यानी उसकी इच्छा करना, तो ये दोनों आपस में समानार्थी हैं। आगे है प्रश्न नंबर पांच, सोहन को आम खाने में अच्छे लगते थे, वाक्य में रेखांकित पद का विलोम है। बच्चों विलोम होता है विपरीत यानी उल्टा, तो अच्छे का उल्टा क्या होगा वो हमें बताना है, अच्छा, बुरे, कोमल या मीठे? और इसका सही उत्तर है ख, बुरे। आइए आगे चलें। आगे यहां हमारे पास एक कहानी और है और नीचे उससे संबंधित प्रश्न है, आइए इसे भी पढ़ें। गर्मी की छुट्टियों में साहिल, सुनील, राज और देवकी मौज मस्ती कर रहे थे। खेलते खेलते वे एक बाग में चले गए। बाग में उन्होंने पेड़ पर पके हुए आम देखे। सुनील और राज पेड़ों पर चढ़ गए और बाकी आम पर ढेला मारने लगे। शोर सुनकर माली की नींद खुल गई। माली को देखकर सभी बच्चे 9, 2, 11 हो गए। माली ने उनमें से राज को पकड़ लिया। माली ने उसे समझाया, देखो बेटे, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना बुरी बात है। यदि तुम्हें आम चाहिए थे तो तुम मांग सकते थे, लो कुछ आम घर ले जाओ और मन लगाकर पढ़ा करो। सभी बच्चों ने माली की बात गांठ बांध ली। तो ये थी स्टोरी, आइए इससे रिलेटेड प्रश्न पढ़ें। बगीचे में कौन सा फल लगा हुआ था, अमरूद, आम, केला या सेब? बच्चों बगीचे में लगा हुआ था आम का फल। अगला है प्रश्न नंबर सात, 9, 2, 11 होना का सही अर्थ है भाग जाना, 9 में 2 जोड़ना, 2 में 9 जोड़ना या छिप जाना? और सही उत्तर है क, भाग जाना, 9, 2, 11 होना यानी भाग जाना। अगला है प्रश्न नंबर आठ, गांठ बांधना का सही अर्थ है हमेशा, बात मानना, हमेशा याद रखना, रस्सी की गांठ लगाना या मेहनत करना? बच्चों गांठ बांधना का अर्थ होता है हमेशा याद रखना, तो इसका सही उत्तर है भाग, हमेशा याद रखना। अगला प्रश्न नंबर 9, पेड़ पर आम लगते हैं तो डैश पर अंगूर लगते हैं, बेल, पेड़, पौधे या जड़? और इसका सही उत्तर है क, बेल, अंगूर जो है वो बेल पर लगते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10, इस कहानी में माली ने बच्चों को क्या सीख दी, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए या किसी को ढेला नहीं मारना चाहिए? बच्चों माली ने बच्चों को सीख दी थी कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर हुआ क भाग। आइए आगे देखें। आगे है कविता पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। टन टन करके घंटा बोला, छुट्टी छुट्टी करके डोला, लटक गए कंधे पर बस्ते, बच्चे भागे घर के रास्ते, मन ही मन घंटा पछताया,
नाहक हमने गाल बजाया। तो बच्चों ये जो थी कविता की पंक्तियां हैं, आइए इससे संबंधित प्रश्न करें। प्रश्न नंबर 11, नाहक हमने गाल बजाया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है बेवजह, बहुत, नाक या हक। तो इसका सही उत्तर होगा क, बेवजह। आगे प्रश्न नंबर 12, इस कविता में गाल बजाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है गाल रगड़ना, गाल फुलाना, बेकार की बातें करना या गाल दिखाना। और इसका सही उत्तर है ग, बेकार की बातें करना। अगला है प्रश्न नंबर 13, नीचे दिए शब्दों में से कौन सा शब्द लटक का मिलता जुलता नहीं है, मटक, झटक, घटक या बतक। इसका सही उत्तर है घ, बतक, ये इससे मिलता जुलता नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 14, घंटा मन ही मन क्यों पछताया, बच्चे पढ़ने लगे, बच्चे खेलने लगे, बच्चे घर चले गए या बच्चे खाना खाने लगे। और इसका सही उत्तर है ग, बच्चे घर चले गए। आगे है प्रश्न नंबर 15, छुट्टी होते ही बच्चों के कंधे पर क्या लटक जाता है, कमीज, बस्ता, घड़ी या टाई। तो बच्चों ये आप सब जानते हैं, छुट्टी होते ही कंधों पर क्या टंगता है, बस्ता। छुट्टी होते ही हम अपना अपना बस्ता टांगकर अपने घर चले जाते हैं। तो ये था हिंदी का अभ्यास, हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हिंदी में भी प्रश्नों की संख्या 15 ही होगी। आइए आगे चलते हैं, अगला भाग है गणित के लिए, सब्जेक्ट गणित, और यहाँ सब डोमेन्स कवर किए गए हैं आपके बौद्धिक, तार्किक तथा विश्लेषणात्मक समझ। आइए इनसे रिलेटेड प्रश्न पढ़ें। पहला है, दी गई संख्याओं से ठीक पहले आने वाली संख्याएं क्या होंगी। तो बच्चों यहाँ हमें दो खाली स्थान दिए गए हैं, उसके बाद है 298, 299 और 300। यानी 298 में जब हमने एक जोड़ा तो आया 299, वहीं 299 में एक जोड़ा तो आया 300। तो जो पैटर्न है वो क्या है, सब में एक एक जोड़ते जा रहे हैं। तो इससे पहले क्या होगा, इसमें से एक घटा दें, वो होगा 297, 297। और 297 से पहले क्या होगा, 297 में से एक घटा के देखें, 296। तो इसका सही उत्तर है 296 और 297, वो यहाँ ऑप्शंस में देखें कहाँ है, और वो है ब, 296, 297। अगला है प्रश्न नंबर 2, विस्तारित रूप 400 + 70 + 8 का मान बताइए। तो बच्चों इसका मान बताने के लिए आप इन तीनों को जोड़ कर देखें। एक चीज ध्यान रखें, इकाई के नीचे इकाई की संख्या लिखें, दहाई के नीचे दहाई की संख्या लिखें और सैकड़े के नीचे सैकड़े की संख्या लिखें। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों को जोड़ना है। 8 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 7 में 0 जोड़ी तो 7 आया, और 4 का लिखा हमने 4, उसके साथ कुछ नहीं जुड़ेगा। तो ये जो संख्या ये आ गई 478, 478, सहभाग। अगला है प्रश्न नंबर 3, यदि 4 पेनों का मूल्य 40 रुपए है, 4 पेनों का मूल्य है 40 रुपए, तो 3 पेनों का मूल्य क्या होगा। बच्चों उसके लिए हमें सबसे पहले यहां एक इकाई का मूल्य पता होना चाहिए। तो 4 पेन का मूल्य है 40, तो एक पेन का क्या होगा, आइए इसे निकालें। ज्यादा की कीमत दी गई है, हमें निकालनी है कम की। जब ज्यादा से कम की निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसको हम भाग कर देंगे, 40 को भाग कर देंगे 4 से, तो ये आ गया 10। यानी एक पेन की कीमत है 10 रुपए। अब हमें निकालनी है 3 पेन की कीमत, 3 पेन की कीमत, इकाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, इकाई एक पेन कितने का है, 10 का। अब हमें वहां से निकालना है 3 पेन की कीमत, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इकाई की जो वैल्यू थी उसे 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 रुपए। तो इसका सही उत्तर अ, 30 रुपए। आइए आगे देखें,
आगे है प्रश्न नंबर चार, निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ाते जाइए संख्याओं को। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या छाटिए। सबसे छोटी संख्या है 87, तो सबसे पहले लिखा जाएगा 87। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है सबसे पहले 87, वो है ब में। आइए आगे चलें। आगे है प्रश्न नंबर पांच, यदि 60 आमों को 20 बच्चों में बराबर बराबर बांटें तो प्रत्येक बच्चे को कितने कितने आम मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ हमें आमों की संख्या दी गई है 60 और बच्चे हैं कुल 20, तो 20 बच्चों में हमें बांटने हैं 60 आम और हमें निकालना है प्रत्येक बच्चे को कितने आम मिलेंगे। तो हमें निकालना है एक बच्चे का, तो 20 आम की दी गई थी, अब हम उससे 20 से जा रहे हैं नीचे की ओर, यानी एक बच्चे का निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, इस 60 को 20 से भाग करना होगा। तो एक बच्चे के हिस्से में आए 3 आम, तो इसका सही उत्तर है अ 3। आइए अगला क्वेश्चन देखें। प्रश्न नंबर 6, राम ने 60 पेड़ आम तथा 130 पेड़ केले के उगाए, उनमें से 29 पेड़ सूख गए, तो कुल कितने पेड़ बचे। तो बच्चों कुल पेड़ थे 60 जमा 130, 60 थे आम के और 130 थे केले के, तो उसने कुल पेड़ लगाए 190। 190 में से 29 पेड़ जो हैं वो सूख गए यानी कम हो गए, तो 29 इसमें से घटा देंगे, कम कर देंगे, ये आएगा 161। तो इसका मतलब अब जो कुल आम बचे हैं वो हैं 161, तो इसका सही ऑप्शन द 161। अगला है प्रश्न नंबर 7, दिए गए चित्र में कोणों की संख्या कितनी है। बच्चों यहाँ आपको बताना है कितने कोण हैं, और कोण आप देख सकते हैं यहाँ कितने हैं, 2, 1, 2, तो इसका सही उत्तर ब 2। अगला है प्रश्न नंबर 8, एक चौथाई का गणितीय रूप क्या होगा। तो बच्चों एक चौथाई यानी 4 में से एक भाग, ये आप देख सकते हैं सर्कल, इसके अगर हम 4 भाग करें बराबर बराबर 1, 2, 3, 4, तो ये हमने इसके 4 भाग किए, इसका एक चौथाई भाग कितना होगा। अगर मान लो हम एक भाग को शेड कर दें तो ये 4 में से एक है, तो ये हुआ एक चौथाई, और इस प्रकार से हम उसे दिखाएंगे, इसका गणितीय रूप ये है 1/4, तो इसका सही उत्तर स। आइए आगे देखें। आगे है प्रश्न नंबर 9, निम्न जोड़ों में से सबसे भारी जोड़े को पहचानो। चींटी, कॉकरोच, चूहा, बिल्ली, हिरण, खरगोश या हाथी, घोड़ा। तो बच्चे इसका सही उत्तर है द हाथी, घोड़ा, ये सबसे भारी हैं। ये जानवर जो है हाथी बहुत विशाल होता है, और ये बाकी जो जानवर दिए गए ये छोटे छोटे हैं, तो इसलिए सबसे भारी जोड़ा जो है वो है हाथी और घोड़े का। अगला प्रश्न नंबर 10, एक वर्ष में कितने महीने 31 दिन के होते हैं। तो 31 दिन के कितने महीने होते हैं वो यहाँ आपको लिखने हैं। तो बच्चों उसके लिए आप सभी को हर एक महीने के दिन पता होने चाहिए, हर एक महीने में कितने दिन होते हैं। तो एक वर्ष में जो 31 दिन के महीने होते हैं वो होते हैं कुल 7। अगला है प्रश्न नंबर 11, मंगलवार के कितने दिन बाद रविवार आएगा। तो बच्चों हमें बताना है मंगलवार के कितने दिन बाद रविवार आएगा। आइए देखें, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो कितने दिन बाद आया संडे, 1, 2, 3, 4, 5, तो संडे आया कुल 5 दिन बाद, तो इसका सही उत्तर स 5। अगला है प्रश्न नंबर 12, निम्न में से सबसे कम धारिता है। बच्चों धारिता यानी उसकी कैपेसिटी, कितना मात्रा पानी उसमें आ सकता है। तो कैपेसिटी यहां हमें बतानी है, कुआं, तालाब, घड़ा या समुद्र, और इसमें से सबसे कम धारिता वाला जो है वो है स घड़ा।
आगे है प्रश्न नंबर 13। राधा प्रातः 8 बजे विद्यालय गई एवं 6 घंटे बाद वापस आई, वह कितने बजे घर लौटी? तो बच्चों राधा जो है वो 8 बजे गई, 8 बजे जाने के बाद 1 घंटा, 2 घंटे, 3, 4, 5 और 6 घंटे, यानी 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 12 बजे के बाद 1 और 2, तो वो वापस आई 2 बजे। तो इसका सही उत्तर है द, 2 बजे। आइए आगे देखें। आगे है प्रश्न नंबर 14। मोहन के पास 150 रुपये हैं, वह 500 रुपये की शर्ट खरीदना चाहता है, उसे और कितने रुपए की आवश्यकता होगी? तो बच्चों इसके लिए आपको 500 में से 150 घटाना होगा, ये देखने के लिए कि 500 में उसे और कितने रुपयों की जरूरत है। तो 0, 5, 3, ये आया 350, उसे 350 रुपयों की और जरूरत है। अगला है प्रश्न नंबर 15। निम्न में से कौन सा वजन सबसे भारी है, 1000 ग्राम, 5 ग्राम, 500 ग्राम या 5000 किलोग्राम? बच्चों इन सबको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इन सभी की जो यूनिट है वो सेम कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं ग्राम ग्राम ग्राम, लेकिन लास्ट वाली जो है वो है किलोग्राम में, तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लें। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम में हुए 5000 ग्राम। अब यहाँ आप देख सकते हैं कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो है 5000, तो वजन में सबसे भारी हुआ 5 किलोग्राम, द भाग। तो बच्चों ये था गणित का अभ्यास। इस प्रकार से आप देख पाएंगे हमने हिंदी, ईवीएस और गणित प्रैक्टिस सेट किया। तो सभी बच्चे इस वीडियो को दोबारा देखें, इन प्रश्नों को रिवाइज करें। इस सर्वे से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी लर्निंग आउटकम्स है, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सभी तीसरी क्लास के बच्चों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपकी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेशनल अचीवमेंट सर्वे से संबंधित फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।